हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर, साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और नतीजों का इंतजार है। चुनाव नतीजे 10 मार्च को आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले ही 60 प्लस सीटें जीतने का दावा कर रही भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों को हार का डर सता रहा है। जी हां, बीजेपी में कई विधायक भीतरघात से घबराए हुए हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब तक 4 विधायक भीतरघात की बात कह चुके हैं। इस सूची में अब एक और विधायक का नाम शामिल हो गया है। अब कैबिनेट मंत्री और पिथौरागढ़ जिले की डीडीहाट विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बिशन सिंह चुफाल ने भीतरघात की बात कही है। आपको बता दें कि चुफाल से पहले 4 बीजेपी विधायक भीतरघात की बात कह चुके हैं। सबसे पहले चुनाव में भीतरघात को लेकर लक्सर से भाजपा विधायक संजय गुप्ता ने शिकायत की और गुप्ता ने तो सीधे सीधे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर ही उन्हें हरवाने के लिए ताकत लगाने का आरोप लगाया। इसके बाद काशीपुर से विधायक हरभजन सिंह चीमा उनकी सीट से चुनाव लड़ रहे उनके बेटे त्रिलोक सिंह चीमा के खिलाफ भीतरघात की बात कही। फिर चंपावत से कैलाश चंद्र गहतोड़ी और यमुनोत्री से केदार सिंह रावत ने भी भीतरघात की शिकायत की थी। वहीं बीजेपी में लगातार एक के बाद एक नेताओं का भीतरघात की बात कहने पर प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि विधायकों प्रत्याशियों को चुनाव से संबंधित जो भी बातें हैं उन्हें पार्टी फोरम पर रखने के लिए संगठन ने पहले ही कह दिया है। साथ ही भाजपा प्रवक्ता ने ये भी दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाने जा रही है और 10 मार्च को नतीजों से ये स्पष्ट भी हो जाएगा। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के नेता भले ही बड़ी जीत का दावा कर सरकार बनाने की बात कह रहे हों, लेकिन एक के बाद एक विधायकों का भीतरघात की शिकायत करना साबित करता है कि बीजेपी में चुनाव के दौरान सब कुछ ठीक नहीं था और इसका असर चुनाव नतीजों में देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।